रहीम, आई एम डॉक्टर अब्दुल गफार, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे आई विल डिलीवर माई फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड ज्योमेट्रिक डिजाइन। टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर एडेड ज्योमेट्रिक डिजाइन, आई विल रिव्यू सम डेफिनेशन विच वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन फर्स्ट सेमिस्टर। द फर्स्ट वन थिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। When we use the word polygon, means we use two types. The first one is open polygon. The second one is initial polygon. The sequence of control point PI at level zero is equal to P of t is equal to I reach from 0 to infinity pi 0 bi n of t. Bi n of t represent the Bernstein polynomial function, and pi 0 called control polygon. अब हम डिस्कस करते हैं कि जो कंट्रोल पॉलीगॉन है उसकी कितनी टाइप्स हैं और उनको हम कैसे डिस्क्राइब। तो इसमें मैं प्रोग्रामिंग के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा कि जो हमारे पास इनिशियल डेटा है, तो ये जो हमारे पास, इसमें अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास एक स्कीम है, इसके अंदर जो पॉलीगॉन यूज हो रही है तो वो हमारे पास क्या है, ये जो हम कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड पॉलीगॉन है। इसमें अगर देखें तो फर्स्ट और जो लास्ट पॉइंट हैं वो सेम है। फिर उसके अंदर एक हम टर्म यूज करते हैं इनिशियल पॉलीगॉन, या फिर सम टाइम हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल पॉलीगॉन। इनिशियल पॉलीगॉन और जो कंट्रोल पॉलीगॉन है, बेसिकली वो डेटा है जो हम उसको इनिशियली एक स्कीम के अंदर इंसर्ट करते हैं। अब अगर हम इस फिगर में आए तो हमारे पास, अगर आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास कौन से पॉइंट हैं, एक्स और वाई के इसमें पॉइंट गिवन हैं। इस पॉलीगॉन को अगर हम अब देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम अलहदा अलहदा से पॉइंट सर्कुलेट करें, पॉइंट को डिनोट करें, तो एक्स की जो लोकेशन है 1 2 1 1, और जो वाई एक्सिस के पॉइंट है वो क्या है, 0 0 1 1 एंड 0। अब अगर आप देखें जो पहला आपके पास पॉइंट है, जिसे हम पी जीरो कहते हैं, पी वन कहते हैं, पी टू, पी थ्री, पी फोर, 0 से 4 तक हमारे पास हमने 5 पॉइंट्स लिए हैं, और जो पांचवा, उसके बाद जो हमारे पास पांचवा पॉइंट है, अगर आप उसको गौर करें तो वो जो हमारी पॉलीगॉन है, हमने यहाँ पे इस पॉलीगॉन को अगर हम देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास 6 पॉइंट यूज हो रहे हैं, और इसकी जो इनिशियल पॉलीगॉन होगी उसको हम क्या करेंगे, यानी कि 0 से 6 तक हम लेंगे। तो बेसिकली हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त पॉलीगॉन हमारे पास गिवन है, हम पहले उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ये आपके पास 3 डिफरेंट रिजल्ट आए हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो हमारे पास इनिशियल डेटा था, इसमें हमने उसका अभी तक इनिशियल डेटा शो नहीं करवाया। मैं ऐसा करता हूँ कि इनिशियल डेटा जो है उस प्रोग्रामिंग में ऐड कर देता हूँ, कि जो हमारे पास गिवन डेटा है हम उसको भी क्या करें, एवेल्युएट करें। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास जो पॉलीगॉन है उसके अंदर पॉइंट्स कितने हैं, 0 से 4 है। अब ये अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास क्या है जी, इनिशियल पॉलीगॉन है, इसके अंदर ये जो पॉइंट हम यूज कर रहे हैं,
ये हमारे पास क्या है जी, अगर हम इनको सिंपल के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या है जी, और फिर हम इसमें क्या करते हैं जी, सिंपल जो साइज है वो अगर हम डिनोट करते हैं, हम कहते हैं थोड़ा सा हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको हम थोड़ा बोल्ड करके दिखाना चाह रहे हैं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि ये जो इनिशियल हमारे पास है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली ये हमारी क्या है, इनिशियल पॉलीगॉन है, और इनिशियल पॉलीगॉन में से हम किस तरह उसके पॉइंट लेते हैं। अब इसमें से अगर आप जाएं तो ये आपके पास, इसको जब हम पॉइंट स्टाइल में लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ गए हैं, चार पॉइंट्स आ गए हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमारे पास जो कर्व थी वो किस में आ गई है, चार पॉइंट्स में आ गई है। ठीक है, ये जो इनिशियल चार पॉइंट्स थे वो हमने दिए हैं, और इसमें अगर आप देखें तो पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, जीरो, ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक्सेस हैं, हमने एक्स की वैल्यू वन दी थी और वाई हमने क्या कहा था, जीरो। और यहाँ पे वाई हमारे पास जीरो है और एक्स हमारे पास क्या है, टू है। यहाँ पे एक्स टू है और वाई क्या है, वन है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों वन वन है। ये हमारे पास क्या है, जो इनिशियल पॉलीगॉन है उनकी जो लोकेशन है ये हम उसको शो कर रहे हैं। अब इनके डिफरेंट कलर में भी हम इनको वो कर लेते हैं, तो ये हमारे पास है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स थे ये हम कट कर लेते हैं, हम इसको दोबारा वो करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, ये जो हमने इसके ऊपर पॉइंट स्टाइल में इंसर्ट किए थे, बेसिकली ये डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट स्टाइल नहीं ले रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस फिगर को इधर ले आता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है जी, पॉइंट स्टाइल है। अब ये जो हमारे पास इनिशियल पॉलीगॉन है, मैं इसके जो कर्व वाला स्टाइल है वो भी इधर इसके अंदर पेश कर देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि उनकी जो कर्व ज्वाइन कर रही है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, उसमें से कर्व जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम शो कर रही थी, तो मैंने इसको क्या किया है कि इसको दोबारा अपने हिसाब से पॉइंट्स को भी शो कर रहा हूँ। जो हमारे पास सिंबल हमने यूज़ किया था, मैं कहता हूँ कि सॉलिड है, और फिर उसमें से मैं उसका जो स्टाइल है, उसके जो सिंबल का साइज है वो इंक्रीज कर देता हूँ, ताकि जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो बड़े होके नजर आए ना। अब ये देखें कि ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं थोड़ा सा वो बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, वो चार पॉइंट्स थे जो इनिशियल डेटे के, और ये हमने उनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो पॉलीगॉन बन गई उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड पॉलीगॉन। क्लोज्ड पॉलीगॉन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो यूजुअली हम कहते हैं कि फर्स्ट और जो लास्ट हैं वो हमारे पास क्या है जी, पॉइंट सेम होने चाहिए। अगर हमारे पास जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट अगर सेम होंगे तो फिर हमारे पास जो कर्व है वो क्या बनेगी, तो इनिशियल पॉलीगॉन। अगर फर्स्ट और लास्ट पॉइंट डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, वो क्या कहलाएगी, ओपन पॉलीगॉन। अब ओपन और क्लोज के बाद एक थोड़ा सा और भी डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था, वो था हमारे पास क्या है जी, इसके अंदर एक नेक्स्ट टर्म हमने यूज करनी है, वो है एरे ट्री। उसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जो कर्व है, अब ये हमारे पास क्या है जी, इनिशियल पॉलीगॉन है, इनिशियल पॉलीगॉन है, और इसको हम क्लोज पॉलीगॉन भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्लोज्ड है। और बाज दफा हम इसका वर्ड क्या यूज करते हैं, कंट्रोल पॉलीगॉन। कंट्रोल्ड भी है, क्लोज भी है, इनिशियल भी है, ये इसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो यूज करते हैं। अब इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास कुछ हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। बेसिकली अब हम क्या करते हैं, इन रिजल्ट को कंपेयर करते हैं कि हमारे पास ये जो हमने रिजल्ट लिखा है ये बेसिकली हमारे पास क्या है। ये देख रहे हैं, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है,
और इसको हम क्या करेंगे, इधर हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, कर्व स्टाइल में है, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास पॉइंट फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है, और जो ये रिजल्ट है ये हमारा क्या है, कर्व फॉर्म में है। और बेसिकली अगर हम जाएं, जो स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है, हम सबसे पहले उस स्कीम को देखते हैं कि ये जो स्कीम हम यूज कर रहे हैं ये बेसिकली है कौन सी स्कीम। तो ये बेसिकली हम इसमें एक चीज डिस्कस करना चाह रहे थे, वो है टर्म एरेटी की, कि एरेटी क्या होता है। एरेटी का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू इंसर्टेड पॉइंट बिटवीन टू कंजेक्टिव पॉइंट ऑफ द इनिशियल पॉलीगॉन। अब हम मैं आपको इस तरह समझाना चाह रहा हूं कि ये जो हमारे पास इनिशियल पॉलीगॉन है, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में हम ना कितने पॉइंट इंसर्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, एरेटी कहलाता है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारी स्कीम है इसकी जो एरेटी है वो क्या है, कि हमने दो पॉइंट्स के दरमियान कितने नए पॉइंट इंसर्ट किए हैं। अगर इस ग्राफ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास इनिशियल पॉलीगॉन थी, इसमें से आपको क्या नजर आ रहे हैं, चार नए पॉइंट इंसर्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो स्कीम है हमारे पास, अगर यहाँ से आप गौर करें तो लिखा हुआ है 3 पॉइंट गफार क्वाटरनरी स्कीम। तो ये बेसिकली हमारे पास जो स्कीम है वो क्या है, क्वाटरनरी स्कीम है। अब एक और हमारे पास स्कीम है कि जिसमें उसमें हम फिर जो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, क्वाटरनरी का मतलब ये है कि दो कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान में हम क्या कर रहे हैं, चार नए पॉइंट इंसर्ट कर रहे हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्सेस नन कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ पॉइंट्स और उनके लोकेशन और उनके दरमियान के पॉइंट नजर आए। अब अगर हम यही पॉइंट्स इसमें वो कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो इसमें ये जो हमारे पास डेटा है इसको हम सेलेक्ट करना चाह रहे थे, इसमें हमारे पास क्या है बेसिकली पॉइंट्स हैं। तो ये इसको मैं देख रहा हूँ कि ये इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स में दोबारा इसको मुझे करना पड़ेगा स्टाइल को, ताकि मुझे आइडिया हो कि ये अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, न्यू इंसर्टेड पॉइंट है। अब एक और बात है कि हमारा ये जो रिजल्ट है ये कौन से लेवल का रिजल्ट है, फर्स्ट लेवल का रिजल्ट है। तो फर्स्ट लेवल का जो रिजल्ट है उस पर अगर आप गौर करेंगे तो इसमें अगर आप गौर करें कि ये हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है, अब वो बेसिकली अगर हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएं कि हमारा जो प्रोग्राम था इसके अंदर अगर गौर करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, वन फर्स्ट लेवल का रिजल्ट है, फिर उसके बाद क्या है, सेकेंड लेवल का रिजल्ट है, फिर थर्ड लेवल का रिजल्ट है। अब ये जो हमारा रिजल्ट था वो फर्स्ट लेवल का था, इसको अगर हम कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं तो ये जो हमारा रिजल्ट है ये कौन से लेवल का है, सेकंड लेवल का रिजल्ट है। अब हम इसमें से देखते हैं कि जो हमारे पास सेकंड लेवल का रिजल्ट है उसको जब हम पेस्ट करेंगे वो इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा सेकंड लेवल का रिजल्ट है इसको हम इधर से शो कर लेते हैं सामने उसके बिल्कुल क्लोज में, और फिर जो उसका थर्ड लेवल का रिजल्ट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको इधर शो कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, ये थर्ड लेवल का है। अब हम ऐसा करते हैं कि इनको भी हम पॉइंट्स में शो कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि पॉइंट्स के फॉर्म में ये जो रिजल्ट है ये किस तरह है। ये हमारे पास क्या है जी, अब इसमें आप देखें, और फिर हम इस लेवल पे आते हैं और इसको भी स्टाइल को भी हम क्या कर देते हैं, पॉइंट्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें कि आपके पास जो पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है जी, पॉइंट्स इस तरह है, और फिर हमने उनको ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये एक और जो हमारा रिजल्ट था इसके अंदर, उसके अंदर एक तो ये है कि लेवल के हिसाब से जो हमारी स्मूथनेस है वो इंक्रीज कर रही है,
अब अगर इसमें आप गौर करें कि हम अगर इनको सिंपल सेम एक्सेस में लेके जाते हैं, मीन के वहां पे एक्सेस अगर हम नहीं दे रहे तो हम इसको बिस्तरा कर लेते हैं, और इसमें भी हमारे पास जो एक्सेस है वो हम क्या कर लेते हैं, नन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, पहले लेवल का रिजल्ट था, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, सेकंड लेवल का रिजल्ट है, और फिर ये हमारे पास क्या है, थर्ड लेवल का रिजल्ट है। और ये जो हमारे पास रिजल्ट है, हमने लेवल के हिसाब से इसको डिस्क्राइब किया। अब अगर हम इस लेवल के हिसाब से इसको चेक करते हैं, ये जो हमारे पास इनिशियल पॉलीगॉन थी और जो स्कीम थी वो हमारी क्या है, क्वाटरनरी थी। हम ऐसा करते हैं कि उसके साथ 4 पॉइंट स्कीम ही लेते हैं, और उस 4 पॉइंट स्कीम को हम क्या करते हैं कि वही पॉइंट्स हम लेते हैं, उसी पे हम अप्लाई करते हैं, और उसका जो कंपैरिजन है वो हम आपको शो करवाते हैं कि हमारे पास जो स्कीम हम क्वार्टरली डिस्कस कर रहे थे, इनिशियल पॉलीगॉन वही लेते हैं, ठीक है, और इनिशियल पॉलीगॉन वही लेने के बाद वही जो रिजल्ट है, ठीक है, वो हम उसी स्कीम के चेक करते हैं कि उसके रिजल्ट क्या आते हैं, और उनमें और जो हमारी 4 पॉइंट क्वार्टरली है उसमें क्या फर्क है। तो इसमें जब हम आएंगे तो हमारे पास क्या है जी, हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास है, यहाँ पे हम एक पॉइंट इंसर्ट कर रहे हैं, ये हमने इसके अंदर क्या है, इनिशियल पॉलीगॉन दी है, उसमें हमने इसके जो रिजल्ट है वो मेजर करने जा रहे हैं, ये देख रहे हैं ना। तो ये बेसिकली ये जो हमारे पास स्कीम है, ये स्कीम इस पे हम देख लेते हैं कि ये जो स्कीम है बेसिकली ये है टर्नरी स्कीम, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ना ये 3 आई है, 2 आई होता तो बाइनरी होती, 3 आई है तो टर्नरी है, और जो हमारे पास क्वार्टरली स्कीम है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, इसमें हमारे पास ये जो स्कीम है ये देख रहे हैं ना, हमारे पास 4 आई है, 4 आई प्लस 3 है, तो ये हमारे पास स्कीम क्या है, क्वार्टरनरी। अब टर्नरी और क्वार्टरनरी स्कीम का भी हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम वो रिजल्ट देख लेते हैं कि हमारे पास जो 4 पॉइंट क्वार्टरनरी स्कीम थी उसकी एलईडी को अगर हमने चेंज किया है, तो हमारे पास जो रिजल्ट थे उनके अंदर क्या चेंज आई है, ठीक है। तो जब हमने इसमें इंसर्ट किया तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आए, ये वाले। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो रिजल्ट है कंपैरेटिवली हम इनको इसके साथ डिस्क्राइब कर देते हैं, कहाँ पे ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ये जो स्कीम थी, ठीक है, ये जो हमारी स्कीम थी इस स्कीम के साथ हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। अब बेसिकली हमारे पास एक और भी हमसे वो है कि ये जो स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारी स्कीम है, ठीक है, इसके अंदर पॉइंट कितने हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारे पास थी 3 पॉइंट, हम यूज कर रहे थे 3 पॉइंट को टर्नरी, और जिसका हम कंपैरिजन देना चाह रहे हैं ये हमारी क्या है, 4 पॉइंट टर्नरी है, और फिर इसके साथ हमारे पास क्या है जी, 4 पॉइंट क्वार्टरनरी स्कीम भी है, ठीक है। तो 4 पॉइंट क्वार्टरनरी स्कीम में अगर हम ये चीजें देखते हैं तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या है जी, ये जो कि ओपन का प्रोग्राम था, ओपन पॉलीगॉन और क्लोज पॉलीगॉन के दो डिफरेंट। तो ये जो आपके पास पॉलीगॉन नजर आ रही है ये बेसिकली क्या नजर आ रही है, ओपन में। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो प्रोग्राम है, एक और प्रोग्राम हम ले लेते हैं ताकि हमारे पास क्लैरिटी आ जाए कि जो हमारे पास 4 पॉइंट स्कीम है उसको, उसकी हम एक कैटेगरी बना लें कि जो बाइनरी स्कीम है उसका क्या रिजल्ट है और जो टर्नरी स्कीम है उसका क्या रिजल्ट है, ताकि हमारे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि उनके अंदर इंटरपोलेटिंग में क्या फर्क होता है, अप्रॉक्सीमेटिंग में क्या फर्क है, ठीक है, और पॉइंट के हिसाब से क्या फर्क आ रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई स्कीम ढूंढ लेते हैं, इसमें से हम
ये देखते हैं कि हमारे पास जो 4 पॉइंट बैनरी स्कीम आपको एक नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है जी, बेसिकली इसको हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास है 2 पॉइंट स्कीम, ठीक है। इसके अंदर आप बल्कि ये भी हमारे पास क्या है जी, टर्नरी स्कीम है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 3 आई। तो हम दोबारा जाते हैं उसमें से कि हमारी जो स्कीम है वो आए बैनरी वाली, ताकि हम उसके हिसाब से कुछ चीज़ें एडजस्ट करें ना। तो ये भी स्कीम हमारे पास जो आ रही है ये भी टर्नरी की है। बाई चांस जो कोड हमने ऐड किए हुए हैं उसके अंदर वो हो बैनरी को, बैनरी के हिसाब से नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि बैनरी की स्कीम सबसे पहले ढूंढते हैं, ताकि फर्क क्लियर हो सके। अदरवाइज ये जो फर्क है वो वैसे रहेगा, हम उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। बेसिकली कुछ इसके अंदर जी, ये हमारे पास एक बैनरी स्कीम आ गई है, जो बड़ी मुश्किल से हम स्कीम ढूंढ रहे थे, हमें मिल नहीं रही थी, तो हमने उसको ढूंढ लिया है, ताकि हम उसके हिसाब से उसके जो रिजल्ट हैं उसको हम डिस्क्राइब कर सकें। क्योंकि अदरवाइज सेम पॉइंट्स पे, सेम पॉलीगॉन पे उसका इशू रहेगा। हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास स्कीम है, हम इसी में वही पॉइंट्स ले लेते हैं जो हमने दिए हुए हैं, और फिर हम उस पॉइंट्स को टैक्सीफाई करते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी। तो अनफॉर्चुनेटली जब वो हमने प्रोग्रामिंग देखी तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, पहले हम इसको टैक्सीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास ये स्कीम टैक्सीफाई भी हो रही है या नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली ये जो स्कीम है ये टैक्सीफाई नहीं हो रही, तो हम इसको दोबारा स्कीम ढूंढते हैं जो स्कीम हमारी टैक्सीफाई हो, उसके बगैर तो हम उसको वो ले नहीं सकते ना। यानी है दोबारा हम अपने प्रोग्रामिंग में जाते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्कीम है, अनफॉर्चुनेटली जो स्कीम हम ढूंढना चाह रहे हैं और जिससे हमने फर्क बताना था वो हो इधर मिल नहीं रही हमारी प्रोग्रामिंग में, ताकि हम उसको एक अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करते। तो इसके बाद हम ऐसा कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोग्राम हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि शायद हमें कोई स्कीम मिल जाए जो बैनरी हो। अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट टाइम मैंने पेपर लिखा था उसके अंदर जो स्कीम थी वो टर्नरी थी और क्वाटर्नरी थी, उन पे मैं काम कर रहा था। तो जो बैनरी की प्रोग्रामिंग है वो इस वक्त उसमें नजर नहीं आ रहे। चलिए ऐसा करते हैं कि किसी और जगह से हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी स्कीम हमें नजर आ जाए जिसके जो हमारे पास क्या हो, 4 पॉइंट। इसमें भी हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हम जिसको भी बैनरी के नाम से ओपन करते हैं तो वो आगे से स्कीम टर्नरी ही निकलती है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने टर्नरी पे काम किया था, तो कोडिंग जो है वो टर्नरी के हिसाब से है।
तो एनियम टर्नरी और क्वाटर्नरी का जो डिफरेंस है वो लिख रहे थे। तो उसमें हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट्स थे ये वाले, इसके साथ हम क्या कर रहे थे, हम ऐसा करते हैं कि इन पॉइंट के साथ हम ले लेते हैं, टर्नरी के साथ पहले कंपेयर कर लेते हैं, बाउंड्री में फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है जी, अब ये हमारे पास अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास टर्नरी स्कीम है, इसमें हमने क्या क्या तीन में तकसीम किया है। हम ऐसा करते हैं कि लेवल वाइज हम इसको वो करते हैं, उसी स्कीम के अंदर जहाँ पे हमने पहले किया हुआ था उसी में हम वो दे देते हैं कि ये जो स्कीम है हमारे पास इसमें हम देखते हैं कि टर्नरी जो है वो हमारे पास उसके क्या रिजल्ट है ना। अब इसमें से अगर आप गौर करें हम अक्सर क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है क्लियर हो जाए। अब इसमें से आप ये देखें कि ये हमारे पास क्या था, वो टर्नरी था और ये टर्नरी है। टर्नरी का मतलब यह है कि दो पॉइंट के दरमियान में हम तीन नए पॉइंट इंसर्ट कर रहे हैं। तो फिर हम चलते हैं उसके दूसरे लेवल पे, दूसरे लेवल पे हमारे पास क्या है जी, 37 पॉइंट है। हम इनको दोबारा इधर देख लेते हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना फर्क आ रहा है पॉइंट्स का, ठीक है। और फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कितना फर्क आ रहा है, ताकि हम उस डिफरेंस को फाइंड कर सकें, जिसके लिए हम ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम आपको देना चाह रहे थे। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं जी, एक्सेस को क्या कर रहे हैं, नन कर रहे हैं, और इसके भी हम एक्सेस क्या कर लेते हैं, नन कर लेते हैं। ये बेसिकली हम एक डिफरेंस देख रहे हैं कि इसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम पॉइंट्स में चले जाते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि पॉइंट्स फार्म में ये और इसमें, ठीक है। इसमें हम अगर इस तरह देखते हैं कि इस कर्व को भी हम पॉइंट्स में देख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये जो स्टाइल है इसके भी एक्सेस हम क्या, इसमें हम क्या कर लेते हैं, स्टाइल पॉइंट्स में इसका भी डिफरेंस हम क्या ले लेते हैं, पॉइंट स्टाइल इसका ले लेते हैं, और ये भी हम पॉइंट्स में ले लेते हैं स्टाइल जो है ना। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, पॉइंट्स में है। अब ये अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास जो तीन हमारे पास डिफरेंस है, अगर हम इनको हम इधर कॉपी करके दोबारा हम इसको लेके आते हैं, इनके साथ कंपेयर करते हैं इस रिजल्ट के साथ, कि मिसाल के तौर पे इनिशियल वाला रिजल्ट हम कॉपी कर रहे हैं उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये इसके टर्निंग का जो रिजल्ट है इसको हम रेड लाइन से शो कर देते हैं, इसके अंदर ये जो हमारे पास इसका हम क्या शो करना चाह रहे थे, इसका कलर हम चेंज करना चाह रहे थे ताकि हमें उसका डिफरेंस जो है वो कलर के थ्रू फर्क पता चल सके। अच्छा फिर हम क्या करते हैं, फिर दोबारा इधर से स्कीम लेते हैं, ये दूसरे लेवल को कॉपी करते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम इसको हम सेलेक्ट करके लाइन स्टाइल में जाते हैं तो आपको आइडिया होगा कि
लाइन में इसमें ये डिफरेंस आ रहा है। और इसी तरह ये जो हमारे पास हैं इनको अगर हम लाइन स्टाइल में करते हैं तो ये भी हमारे पास ये है। तो ये जो हमारे पास उसकी तकसीम है वो हम इसको डिफरेंस के थ्रू शो करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था, टर्नरी और टर्नरी का डिफरेंस, टर्नरी और क्वाटर्नरी का पॉइंट के हिसाब से। हमारा जो टॉपिक था वो क्या था जी, इनिशियल पॉलीगॉन। कि इनिशियल पॉलीगॉन में हमारे पास क्या है जी, उसकी क्या टाइप्स है। इनिशियल पॉलीगॉन में हमारे पास क्या है, कंट्रोल पॉलीगॉन है, ठीक है ना। कंट्रोल पॉलीगॉन हमारी क्या होती है, दो तरह से होती है। एक हमारे पास क्या है, ओपन है, और दूसरी क्या है, क्लोज्ड है। तो इसके साथ ही आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर खत्म करते हैं, और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अल्लाह हाफिज़।